शिरपा स्टेटमेंट टीवी में आपका स्वागत है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की कोर्ट ने शहर के बहुचर्चित डॉक्टर जिमी जिंदल रेप मामले में डॉक्टर जिमी जिंदल को धारा 376 के तहत दोषी ठहराया है। अदालत द्वारा डॉक्टर जिमी जिंदल को दोषी ठहराने के बाद पुलिस ने डॉक्टर जिंदल को हिरासत में ले लिया और हिसार जेल भेज दिया है। डॉक्टर जिमी जिंदल को सजा सुनाए जाने के बाद जहां दोषी डॉक्टर खफा नजर आया तो वहीं उनकी पत्नी सजा सुनकर रोने लगी। अदालत डॉक्टर जिमी जिंदल को 31 अगस्त को सजा सुनाएगी। याद रहे कि 25 अक्टूबर 2017 को डॉक्टर जिमी जिंदल पर एक युवती ने नशीला पदार्थ खिलाकर अपने घर ले जाकर उसका रेप करने का आरोप लगाया था। बाबा रामदेव समाधि स्थल रुनेचा धाम रामदेवरा के पट 7 सितंबर से 17 सितंबर तक बंद रहेंगे। यह जानकारी देते हुए श्री बाबा रामदेव सेवा समिति फतेहाबाद के प्रधान रमेश जोहिया ने दी। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बाघा स्थित नदी में नाव डूबने से 20 लोग लापता हो गए। समाचार बोले जाने तक रेस्क्यू टीम ने 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि यह परेशान करने वाला ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि पुलिस ऑफिसर रूलिंग पार्टी का पक्ष ले रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि ऐसे ऑफिसर जो सत्ताधारी दल की गुड बुक्स में शामिल होना चाहते हैं वह अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही राजनीतिक विरोधियों को परेशान किया जा रहा है। वहीं बाद में जब विरोधी सत्ता में आते हैं तो पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए स्टेट मिल्क टीवी के साथ। इसी तरह नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।